कभी मैं बंद मुट्ठी। मास्टर गुलाब, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके पेरेंट्स आपको पोर्नोग्राफी की तरफ धकेल रहे हैं? वो कहते हैं आसमान से तारा टूट के हमारे पालने में आ गिरा। कोई कहता है कि फरिश्ता आया था सपने में जिसने माँ को बेटे का वरदान दे दिया। I mean, for God's sake, your honor, doesn't anyone have sex anymore? इस तरह के कई बच्चे जिन्हें सेक्स की पहली नॉलेज इस तरह की पोर्नोग्राफी या फिर अश्लील फिल्में देखकर मिलती, क्यों? क्योंकि उन्हें उनके सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ऐसे कितने सवाल हैं जिनका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, पर उन पर हम चर्चा नहीं करते। ऐसे ही सवालों और जवाबों से उलझने की कोशिश हमने मैं कुछ भी कर सकती हूं के माध्यम से की। इस कोशिश का क्या परिणाम हुआ? क्या वो जवाब लोगों तक पहुंच पाए? ये जानने मैं आज जा रही हूं उत्तर प्रदेश के गांव बैरी दरियों। हम अक्सर देखते हैं कि माता पिता अपने घर में परिवार नियोजन जैसी बातों को लेकर के खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, तो क्या आपके घर में भी ऐसा ही माहौल है? नहीं, मेरे घर में ऐसा माहौल नहीं है। प्रोग्राम देख के तो ऐसा होता है कभी कभी कि मम्मी कुछ ज्यादा ही खुल के बात कर लेती हैं हम लोगों से, तो शर्म हम लोगों को आ जाती है। एक बार मैं पति पत्नी दोनों लोग संबंध बना रहे थे, इसके बाद में कॉन्डम का जो रैपर था तो हमने ऐसे छिपा दिया था, और इसने कहा ये मम्मी ये क्या है, तो हमने सोचा अगर इसके उसको हम बताएंगे नहीं तो इसके जो मन में सवाल उठ रहे हैं तो ये किसी और से पूछेगी, इससे अच्छा हम खुद बता दें। सबसे पहले तो ये गर्भ रोकता है, और दूसरी बात जो बीमारियाँ हैं वो भी रोकता है, अनचाहा गर्भ जो है वो रोकता है। अगर छोटी फैमिली होगी तो ज्यादा सुखी फैमिली होगी, और ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा परेशानी होगी। आपके परिवार में इस सोच में ये बदलाव कैसे आया? पहले यह नहीं था, मैं खुद इन लोगों से बात जैसे कोई भी थी छिपा के मैं खुद करती थी कोई भी हो, लेकिन जब से मैंने प्रोग्राम देखा मैं कुछ भी कर सकती हूँ तो मेरे यहाँ तो बिल्कुल चेंज हो गया। इन बच्चों को देख के हमारे अंदर बदलाव आ गया। इनकी तो सोच यही थी कि बच्चों को 5 तक या 8 तक पढ़ा दो, इसके बाद शादी कर दो। हाँ, अब तो ये है कि मैं शादी की अगर बात करती हूँ तो ये खुद मना कर देते हैं कि अभी नहीं, शादी के विषय में हमें बात ही नहीं करनी है। पन्ना, आज तुम अपने पिटारे से क्या निकालने वाली हो? मस्त गोली, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यानी कि गर्भ निरोधक गोलियां। इन गोलियों को परिवार नियोजन के तहत इस्तेमाल किया जा सकता है। ये गोलियां बनने के पीछे बहुत सारी जांच और पड़ताल होती है। इनके छोटे मोटे असर होने के बावजूद भी इनके फायदों के आगे उनका कोई मोल नहीं। जहां एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को समझने लगती है, जहां बातचीत के रास्ते खुल जाते हैं, उन्हीं रास्तों पे तो हमें चलना है। तो मुझे ये बताइए कि स्नेहा समूह में आप लोग करते क्या हैं? परिवार योजना के बारे में बातचीत करते हैं और खुल के बातचीत करते हैं। महावारी है, जैसे छुपाते नहीं है कोई बात बच्चों से। ये महावारी के बारे में जो बताया इन्होंने तो लड़कियों को बहुत अच्छी सीख मिली। लड़कियां पहले किसी से बताती ही नहीं थी। हाँ, तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि यहाँ पर महिलाएं भी हैं और किशोरियां भी हैं, तो आप लोग आपस में एक दूसरे से इन सारे विषयों के बारे में बात करते हुए हिचकिचाते हैं या नहीं? नहीं। अच्छा, तो परिवार नियोजन के अलावा और ऐसे कौन से विषय हैं जिनके ऊपर आप लोग बातचीत करते हैं या आपने उसके बारे में कुछ काम किया है? इनके लिए सफाई और जो शौचालय है, इसी जो शौचालय घर में है तो साफ सुथ चले जाओ, दरवाजा बंद कर दो, ना कोई बीमारी है ना कोई कुछ है। हम लोगों को पहले पता नहीं था, जब सुमन बहन जी आए इन्होंने अपना ये सीरियल दिखाया तब से सब लोगों को ज्यादा लगा था कि नहीं, हाँ बनवा लेना चाहिए, अच्छी बात है, शौचालय घर में होना चाहिए। हम तो दीदी एक ही बात बोलेंगे कि दरवाजा बंद तो बीमारी बंद।
एक औरत से शुरू हुआ ये बदलाव घर घर में पहुंच रहा है, जहां बेटियों को प्यार के साथ सम्मान भी मिले, जहां पति पत्नी एक दूसरे के लिए समान हो, जहां सिर्फ एक घर में नहीं हर घर में दिया जले। इसी भविष्य का सपना अब साकार होता दिखाई देता है। मैं कुछ भी।